प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म नीति फोरम के दूसरे संस्करण को किया संबोधित। कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 45 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तमिलनाडु में बारिश हुई फिर शुरू। थूथुकुड़ी और कोयम्बटूर शहर के कई हिस्सों में बारिश जारी। जगह जगह जलभराव, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल हमास संघर्ष से जुड़े एक प्रस्ताव को अमेरिका ने किया वीटो। यूएई के प्रस्ताव में इसराइल और हमास के बीच तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग की गई थी। और खेल की खबरों में, महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। भारतीय टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। और मलेशिया में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना कनाडा से। नॉकआउट में पहुंचने के लिए कनाडा को हराना होगा बड़े अंतर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया। भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी से इसकी मेजबानी की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में इन्फिनिटी फोरम 2.0 सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित किया गया। इन्फिनिटी फोरम वित्तीय सेवाओं का वैश्विक मंच है जहां प्रगतिशील विचार, सामायिक समस्याओं, विश्वभर से नवाचार, प्रौद्योगिकियों की खोज की जाती है और इसके साथ ही चर्चा की जाती है, समाधान और अवसरों में उनको बदला जाता है। फोरम में 300 से अधिक CXO की भागीदारी रही। इसमें भारत तथा अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 20 से अधिक देशों के वैश्विक दर्शकों की मजबूत ऑनलाइन भागीदारी रही। इस कार्यक्रम में विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति और विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश के 2000 से अधिक VBSY वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC भी जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरे करने के लक्ष्य के साथ जारी है ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में बिहार की अगर बात करें तो विकसित भारत संकल्प यात्रा किसानों के लिए यहां वरदान साबित हो रही है। संकल्प यात्रा के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान किसान न सिर्फ उन्नत खेती की जानकारी ले रहे हैं बल्कि मौके पर ही उन्हें ड्रोन का प्रशिक्षण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में आयोजित की जा रही है।
बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। गांगेय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ और धन और धान से भरपूर है। किसान परिश्रम करते हैं लेकिन अक्सर उन्हें अपनी मेहनत का सही मोल नहीं मिल पाता। ऐसे में कृषि में उन्नत तकनीक अपनाकर न सिर्फ किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक उद्देश्य में किसानों की आय बढ़ाना भी शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत IEC वैन के जरिए बिहार के गांवों में भ्रमण के दौरान लोगों को न सिर्फ ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि उन्हें नैनो यूरिया के छिड़काव और फसल सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। ड्रोन को लेकर ग्रामीण खासे उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। 2000 मिलता है साल में कितना मिलता है? 6000। किसान उत्पादन संघों की स्थापना में भी केंद्र सरकार ने अहम किरदार अदा किया है। ऐसे ही FPO से जुड़े औरंगाबाद के किसान अभय कुमार को कृषि यंत्रों की खरीद में आसानी हुई है। हम लोग भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना, हम लोग FPO के माध्यम से नवाड के ओर से हम लोग FPO बनाया गया है। उसके माध्यम से हम लोग को FPO में जो है ट्रैक्टर आपको हो गया, फिर ये रोटावेटर आता है, उसके बाद धान झाड़ने वाला मशीन आता है जो थ्रेसर उसको बोला जाता है वो है, उसके बाद रवि बुनने वाला मशीन है। जो भी सरकार के तरफ से योजना आ रहा है उसको हम लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। किशनगंज के एजाज आलम ने बागवानी योजना के तहत फलदार पेड़ लगाए हैं जिनसे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। वृक्षारोपण का लाभ मिला है, जो हम फल का पेड़ लगाए हैं जो कि लगा के 1824 रुपया मिल रहा है हमको पर मंथ और आगे 5 साल तक मिलेगा, जिससे फल से हम बेच के अपना जीवन पालन पोषण करेंगे। बहुत बढ़िया स्कीम है, मैं इससे खुश हूँ। सफलता की कहानियाँ अनेक हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से न सिर्फ हमें लाभार्थियों की संतृप्ति के स्तर का पता चल रहा है बल्कि सरकारी योजनाओं से छूट गए लोगों को इनका लाभ देकर समावेशी विकास के सपने को साकार करने में भी मदद मिल रही है। पटना से सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। सम्मान करेंगे नागरिक होने का। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में निचली मगनार ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। लोगों का हेल्थ चेकअप भी इस दौरान किया गया। गाँव के लोगों को सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभ लेने के तरीके भी बताए गए। तो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम जो मनकद किया है, जो कि गांव-गांव में जाके हमारे गांव में भी आज ये विकसित भारत का प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में सभी डिपार्टमेंट्स में हमारे पास आए, उन्होंने अपनी स्कीमें हमारे लोगों के बीच में रखी, हमारे लोगों में भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हमारा संकल्प विकसित भारत ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के तहत लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि गांव हमारे जो देहात के हैं ये बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकार ने जो घर घर ये गाड़ी भेज के वीडियो के ज़रिए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के जो फ्रंटलाइन वर्कर हजरात हैं उनके ज़रिए से लोगों तक हर किस्म की जो स्कीम है, गारंटी स्कीम सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पहुंचाई। मंगनाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने इस उपलक्ष्य में अपनी अपनी स्कीम्स के बारे में बताया। यहाँ पे किसान भाइयों और ख़ासकर जो आम आवाम है उनको PMAY SBM, एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और हेल्थ में भी जो स्कीम्स हैं जैसे आबा है और गोल्डन कार्ड है, सभी स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा मिला। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे ये होगा कि अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज़ होगी लोगों में और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में पता चलेगा और जिससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएंगे।
आतंकी साजिश के खिलाफ एनआईए पूरी तरह से एक्शन में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 45 ठिकानों में छापेमारी की है। एजेंसी के अधिकारियों ने कर्नाटक में और महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे और भेंदर में रेड की है। जांच में भारत के भीतर आईएसआईएस की चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करने वाले आरोपियों के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज समानीकरण योजना को 30 जून तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने पात्र निर्यातकों के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना की घोषणा की थी। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी और शुरुआत में 5 वर्षों के लिए वैध थी। इसके बाद भी यह योजना जारी रही। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर किसी का अपना घर हो। इसके लिए सरकार ने लोगों को मानचित्र पर टैक्स की सहूलियत दी है। इस पर खास बातचीत की वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने। वाराणसी में मकान के नक्शे में किस तरह की सहूलत मिलेगी, क्या योजना है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग जी हैं। पुलकित जी, ये क्या योजना है, किस तरह के निर्देश आपको मिले हैं राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, शहर में अवस्थापना सुविधाएं देने के लिए प्राधिकरण द्वारा जो मानचित्र में शुल्क लिए जाते हैं, उसमें कुछ राहत जो है वो शासन की तरफ से दिए गए हैं। उसमें कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं। जो निरीक्षण शुल्क होता है, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो लिया जाता रहा है, निरीक्षण शुल्क को हटा दिया गया है वर्तमान के लिए। और निरीक्षण शुल्क के अलावा एक इम्पैक्ट फीस होता है। इम्पैक्ट फीस का अर्थ ये होता है कि अगर आप एग्रीकल्चर में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या जिस लैंड यूज़ के लिए वो भूमि थी उसमें और कुछ और अनुमन्य अगर है नियमों के तहत, तो उसमें इम्पैक्ट फीस लेकर उसको अलाउ किया जाता था। तो वो इम्पैक्ट फीस के संबंध में भी जो है वो उसको वर्तमान में नहीं लिए जाने के डायरेक्शन दिए गए हैं। जैसे इसमें क्या कोई जो ज़मीन है उसका माप का भी रोल होगा इसमें, जो आप सहूलत देंगे उसमें? हाँ, जो निरीक्षण शुल्क है वो माप के हिसाब से लिया जाता है, कितना वर्ग मीटर एरिया है प्लॉट का एरिया, तो जाहिर सी बात है। ये निरीक्षण शुल्क और जो एक दूसरा शुल्क है जो भूमि के परिवर्तन में, उसमें भी छूट सरकार की तरफ से मिलेगी, जो लोगों के लिए काफ़ी सहूलत होगा। लोग अपना जो अगर व्यावसायिक कार्य करना चाहते हैं उस भूमि पर तो कर सकेंगे, ऐसा वाराणसी विकास प्राधिकरण करने जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के देहरादून में चल रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन समारोह में शामिल होंगे। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। इस दौरान समापन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आज सम्मेलन में कुल 8 सत्र होंगे। इस सम्मेलन में देश दुनिया के 5,000 से ज्यादा निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी ने लोकसभा से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर महिला कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि महुआ के साथ कांग्रेस इसलिए खड़ी नजर आ रही है क्योंकि ईडी गठबंधन में बिखराव को वह रोकना चाहते हैं, लेकिन यह ईडी गठबंधन एक महीने में खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी से डीडी न्यूज की एक खास बातचीत। बंगाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद लॉकेट चटर्जी महुआ मोइत्रा के सवाल पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, महुआ बाहर निकली, उन्होंने कहा कि एक विमेन को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर निष्कासित किया गया है। बंगाल में तो एवरीडे वुमेन को परेशान किया जाते हैं। बंगाल में तो एवरीडे वुमेन के ऊपर अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सब वुमेन्स का वस्त्र हरण होता है, वस्त्र हरण का वीडियो भी पुलिस के सामने होते हैं, वायरल होता है, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं करते। अचानक इन्होंने महिला विक्टिम कार्ड यहाँ पे प्ले किया, बंगाल में होना चाहिए था, लेकिन जो चोरी किया है, चोरी करने के बाद ये मतलब कार्रवाई को वस्त्र हरण बोलते हैं। कार्रवाई का दूसरा वर्ड क्या वस्त्र हरण होता है। हम लोग चुन के आते हैं कि प्रतिनिधि होके, नॉट महिला होके। महिला भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर महिला
विक्टिम कार्ड प्ले करना ये उचित नहीं है। एक जो चौंकाने वाली बात दिखाई पड़ी कि निष्कासन के बाद जब वो बाहर निकली, वो सांसद टीएमसी की हैं, लेकिन उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी नजर आ रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो महुआ के सवाल पर कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है, इसको कैसे देखती है? कांग्रेस का कुछ है क्या? अभी तो कुछ बचा नहीं है कांग्रेस का, इसलिए तो वो टीएमसी को, तो अभी टीएमसी को कांग्रेस का ज़रूरत था, अभी कांग्रेस को टीएमसी को ज़रूरत है, इसलिए पास आके खड़ा हो गया है। सब लोग अपना अपना बचने के लिए ये सब INDIA का मतलब टीम बनाया है, ये टीम भी एक महीने बाद ख़त्म हो जाएंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी विकास ट्रस्ट और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से लुम्बिनी भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। इस उत्सव में भारत के लद्दाख में हेमिस मठ के भिक्षु कलाकारों द्वारा तैयार सेन मंडला ड्राइंग आर्ट प्रदर्शनी, प्रसिद्ध फोटोग्राफर बिनॉय बहल की तस्वीरों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, भारतीय और नेपाली व्यंजनों की विशेषता वाला एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल था। बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। राजधानी नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आज दिल्ली का AQI 380 के पार रहा। राजधानी में सुबह धुंध छाई हुई थी, प्रदूषित हवा में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। बात करते हैं खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा था, ऐसे में भारतीय टीम के सामने दूसरे T20 को हर हाल में जीतने की चुनौती है। वैसे भारतीय टीम का पहले मैच में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को सुधार करने की जरूरत है। शेफाली वर्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे। गेंदबाजी में रेणुका सिंह को छोड़कर बाकी किसी भी गेंदबाज ने प्रभावित नहीं किया। वहीं इंग्लैंड टीम ने अपने परफॉर्मेंस को बनाकर रखा। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफ़ी मजबूत नजर आए, ऐसे में टीम अपना प्रदर्शन बरकरार रखना चाहेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।